कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 120 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। सीएम जयराम ठाकुर ने स्वयं हाल ही में जिला प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एयरपोर्ट बारे चर्चा की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो प्रपोजल आया था उसे भी जिला प्रशासन ने सरकार को भेज दिया है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि सीएम द्वारा एक रिव्यू मीटिंग की गई है जिसमें कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर चर्चा की गई है। वर्तमान में कांगड़ा एयरपोर्ट पर ATR 72 लैंड करता है। आगामी समय में बड़े जहाज कांगड़ा आ सकें, कितनी भूमि की जरूरत होगी और इसके लिए किस तरह का प्रोसेस रहेगा इस बारे चर्चा की गई है। नेशनल हाईवे की अलाइनमेंट को चेंज करने सहित मांझी खड के चैनलाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में इस कार्य हेतु जिला प्रशासन किस तरह से आगे बढ़ेगा इस बारे में भी लोगों को सूचित किया जाएगा। डीसी ने कहा कि इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा राजस्व विभाग की ओर से जो प्रक्रिया शुरू की गई थी उसके तहत 120 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो ड्राफ्ट प्लान आया है वो प्लान भी सरकार को भेजा गया है। ड्राफ्ट प्लान को अप्रूवल मिलने के साथ ही आने वाले समय में सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पूर्व में जो डीमार्केशन की गई थी उसकी प्रपोजल भी सरकार को भेजी गई है। सरकार की ओर से जो भी निर्णय आएगा उसी अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जो अब तक का प्रोग्रेस हुआ है कांगड़ा जिले में जो एयरपोर्ट का एक्सपेंशन है वो 1372 मीटर से 3000 मीटर के ऊपर जाने वाला है। ऐसी स्थिति में किन किन विषयों पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है उसके बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। जहां तक कांगड़ा जिले की बात करते हैं, यहां के एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो जितनी भी हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है जिसमें 120 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड है उसको लेकर जो भी मसौदा है वो तैयार कर लिया गया था और पीछे ही सरकार को भेज दिया गया है। आने वाले समय में सरकार के तरफ से जो भी दिशा निर्देश आएंगे, खास करके जो हमारा नेशनल हाईवे का अलाइनमेंट है, वो मांझी खड का जो चैनलाइजेशन है और लैंड को फर्दर एक्विजिशन के बारे में लेकर, तो जैसा दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से जिला प्रशासन आगे बढ़ेगा। और देखिए, इसमें जो नोटिफिकेशन होनी चाहिए वो नोटिफिकेशन के लिए जो मसौदा होता है जो वो हमने तैयार करके सरकार को भेज दिया है। आने वाले समय में जब भी जैसे भी सरकार के स्तर पर निर्णय होता है उसके उपरांत हम जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे।